हेलो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोगे तो कुछ ना कुछ समझ कर जाओगे, और अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो कुछ और ही समझ कर जाओगे। मैं आपको एक शोरत दिखाने वाला हूँ जिसकी हेयर यानी कि बाल बहुत ही गंदे है। सच कहो तो वो दिखने में बहुत ही गंदा लगता है। दोस्तों, मैं इन सब बातों को क्यों इम्पोर्टेंस दूँ? आप जो भी हो, आप मैं आपको दुआ करता हूँ कि आपको कैंसर हो और आप गाड़ी के नीचे आकर मर जाओ, वगैरह वगैरह। मैंने जो अभी ये कही, ये बातें कहीं ना कहीं मुझे और मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचाता है, और शायद आपको भी। लेकिन ये गंदी गाली और गंदी बातें हर रोज इंटरनेट पर चलते रहते हैं। आप में से बहुत लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं समझता हूँ कि कैरी रोस्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। रोस्टर ऐसे वीडियो या फिर इंसान को रोस्ट करता है जो रोस्टिंग या फिर ट्रोल के काबिल होता है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हो। बेईमान, दिल बड़ा बेईमान होता नहीं। आजकल कोई भी आपको किसी भी बात के लिए हेट कर सकते हैं, शायद बिना वजह भी। शायद वो आपको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो अपना गंदा सोच आपके ऊपर थूकने में ज़रा सा भी नहीं सोचते। कई इंटरव्यू में ये बात सामने आया है कि लोग कमेंट में किसी को मरने के लिए भी कह देते हैं। और दोस्तों, ये ज़माना इंटरनेट का है, और सच कहे तो ये एक इंटरनेट क्राइम बन चुका है। दोस्तों, हम इस ऑनलाइन हेटिंग से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं, और इसे हम लोग कहते हैं ट्रोलिंग। आप लोग मुझे शायद सेंसिटिव कहे, लेकिन दोस्तों क्या ये सही है कि हमारे ये जनरेशन केवल ऑनलाइन हेटिंग से अपने आप को एक्सप्रेस करे? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे कमेंट तो रेयर है, लेकिन ये बिल्कुल भी रेयर नहीं है। बहुत सारे और ऐसे वीडियो है जो इंटरनेट पर वायरल हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे गंदे कमेंट कई बार किसी को मौत के मुंह में भी धकेल देते हैं, और कोई डिप्रेशन में चला जाता है। ये ट्रोलिंग जो ऑनलाइन में ओवर टाइप करके किसी को कहा जाता है, ये वैसे ही होता है अगर आप किसी की आँख में आँख डालकर कहते हो। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन इंटरनेट में लोग ऐसी ऐसी विश करते हैं कि किसी की फैमिली ही मर जाए। अनबिलीवेबल। लेकिन ये सोशली क्यों एक्सेप्ट किया जाता है कि आप टाइपिंग से ऐसे बातें कर सकते हो, लेकिन अपने मुंह से नहीं? दोस्तों, इस ट्रोलिंग की वजह से कई बार लोग अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, वो अपने आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ वन कमेंट। दोस्तों, कई बार आपके अपलोड हुए फोटो पर एक बैड कमेंट शायद आपको परेशान करता होगा, लेकिन अगर कोई कुछ हद से बुरा करता है तो ट्रोल करना शायद सही है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द वीडियो यही है कि दूसरे को कीबोर्ड से ट्रोल करने की बजाय अपने आप को काबिल बनाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।